सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो रिसेंटली मॉम बनी है और उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और वो बिल्कुल इस फील्ड में बिल्कुल न्यू है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस इन द सेंस उन्होंने कभी अपने लाइफ में किसी बच्चे को हैंडल नहीं किया है। ये वीडियो उनके लिए है। तो बात उस समय की है जब मैंने बेबी को फर्स्ट टाइम अपने हाथों में देखा और जब मुझे ये पता चला कि मुझे ही इसको हैंडल करना है, तो जैसे भी करना है मुझे ही करना है। तो हुआ क्या कि मुझे 1-2 महीने बहुत डिप्रेशन हुआ, 2-3 महीने बहुत डिप्रेशन हुआ कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, ये क्या मुझसे हो गया, मैं अब कैसे लाइफ को अपने चलूँगी। मतलब एक होता डिप्रेशन आ जाना कि मैं कितना बड़ा गलती कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा फील होता था अंदर से, मैं इसको कैसे बड़ी करूँगी, कैसे पालूँगी, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँगी, अब मेरा क्या होगा, मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। बस ये सब मैं सोची थी क्योंकि मुझे उम्मीद था कि कुछ लोग मुझे मदद करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, लोग इस चीज़ में मुझे मेरा साथ देंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं और रियलिटी में ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि आपको ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब एक बेबी होता है तो उसकी जो माँ होती है वो उसको इंजॉय करती है, लेकिन मैं हर एक दिन उसको निकालती थी कि किसी तरह से आज निकल जाए, कल निकल जाए, ये दिन निकल जाए, मुझे इस दिन से बाहर जाना है, कब ये बड़ी होगी। मुझे ऐसा फील होता था, मैं रोती थी, लिटरली मैं रोती थी रात में, दिन में। और मुझे कभी हैंडल करना आता नहीं था बच्चे को, कि मैंने कभी किसी बच्चे को देख लिया ही नहीं था हाथ में। फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में अपने बेबी को ली हूँ हाथ में, तो मुझे गोदी लेना भी नहीं आता था, मतलब पकड़ने में डर रहता था। लेकिन सब कुछ अकेले हैंडल करना बहुत बहुत रिस्क था, बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन हम दोनों ने बहुत कुछ हैंडल किया है। तो होता क्या था कि मैं रात भर टेंशन, बेबी जो थी बहुत ज़्यादा परेशान भी करती थी, बहुत ज़्यादा। उसको तो मैं आपको स्पेशल बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा की है, क्या हुआ नहीं हुआ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बस ये बताती हूँ कि मैं होप पूरा खो चुकी थी कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। बस मेरा माइंड में यही चलता था कि मैं पढ़ूंगी या मेरा लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इतना पैनिक हो गई थी कि अब मैं लाइफ में अपने कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप सोच सकते हैं जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, अपने लाइफ का हर टाइम उसके पीछे निकाल देते हो, पैसा निकालते हो, टाइम निकालते हो, अपना कम्फर्ट निकाल देते हो, और लगता है कि वो चीज़ छूट जाएगा आपके लाइफ से, तो आपको कैसा फील होगा। आप इस चीज़ को अपने लाइफ में फील करके देखिएगा कि कैसा होता है। भगवान ना करे आपको फील करना पड़े। तो मैं हर दिन टेंशन में, मतलब उदास रहती थी, सोचती थी कि कैसी बड़ी होगी। मतलब ऐसा था कि जब बच्चे को प्यार करना, मुझे प्यार नहीं आता था उस पर, मुझे गुस्सा आता था कि मतलब कैसे क्या होगा अब, है ना। तो करते करते दिन निकलता गया। जब 1 मंथ की हुई तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा माइलस्टोन ये किया है, मुझे लगा था मैं इसको पाल ही नहीं पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक एक दिन निकलता है अभी, और जैसे कि 1 मंथ कंप्लीट हुआ, जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो लगता है कि मैंने इतना बड़ा चीज़ अचीव किया है अपने लाइफ में जो मैं नहीं कर सकती थी। पढ़ाई मेरे लिए छोटा पड़ गया कि पढ़ना तो मेरे लिए छोटी सी बात है, पढ़ लूँगी, लेकिन बच्चे को मैंने हैंडल किया है, एक जान को मैंने जीवन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे लिए बड़ी बात है, सबके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इसके पीछे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप अभी जाते हो कि जॉब करने के लिए, तो आपसे एक्सपीरियंस मांगता है कि आप कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं होता है तो आपको नहीं रखता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि हाँ लाओ मैं कर देता हूँ, जाओ तुम रेस्ट करो। नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 2 मिनट बैठने के लिए सोचती थी कि मैं बैठूं। मैं ये जो अभी तो इसका 10th मंथ चल रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने कभी भी 2-3 घंटे आराम से बैठा नहीं है, लेटा नहीं है, बस मैं चलती जा रही हूँ, जिसके कारण मेरे हेल्थ में बहुत इफेक्ट भी पड़ रहा है। ऐसा बात नहीं, बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मैं माइलस्टोन को हासिल कर रही हूँ, एक माइलस्टोन है मेरे लिए ये, ठीक है। तो मैं इसका 1 साल होने का इंतज़ार भी कर रही हूँ, और जितना मुझे किसी एग्ज़ाम को पाने के बाद खुशी नहीं होगी, उतना मुझे इसको बड़ा करके खुशी होगी। मेरे अंदर अब ये आता है, और एग्ज़ाम को क्रैक करना तो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, कर लूँगी। पहले नहीं था कॉन्फिडेंस, लेकिन अब कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है? जब मैं एक नई चीज़ को, मतलब अपने लाइफ में उसको पाल सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर सकती हूँ। बस मेरे अंदर इसी चीज़ के कारण ये कॉन्फिडेंस आया। तो हो सकता है मेरे लाइफ में इसका आना बहुत ज़रूरी था। इसके आने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे क्या होता था पहले कि मैं सुबह नहीं उठती थी, पहले जैसे कि रात भर जाके मैं पढ़ लेती थी, लेकिन सुबह कभी नहीं उठ के पढ़ती थी मैं, मेरे लिए वो ही होता ही नहीं था पॉसिबल। लेकिन अभी क्या है, क्या सुबह क्या रात, मेरे लिए सब एक बराबर है। तो मेरे अंदर इतना जज्बा आ गया कि मैं सुबह, लेकिन हाँ अब बच्चे होने के बाद क्या होगा कि मैं सुबह ही पढ़ती हूँ, आप देख सकते हैं 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ और पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लगता है कि दिन ही है, अभी तो रात ही है, कोई नींद कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे वो सो रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे लग गया कि मैं थोड़ी देर बैठूँ, लेकिन वो उठ जाएगी, फिर मुझे उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बैठ नहीं सकती हूँ। तो होता क्या है कि मुझे
बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो मैं दवा खा के फिर से एक्टिव होती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये रहता है कि समय निकल जाता है, समय जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, आपका क्या है कि समय जो कभी जैसा नहीं रहेगा, समय आपका निकल जाएगा और आप निखरते जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा मन में थॉट है और इसी सोच को मैंने लेकर ये मैं समय निकाल रही हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे यूट्यूब पे, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। आप मुझे इस चीज़ पर गाइड कर सकते हैं और दूसरे तरफ पे जाकर मुझे मत बताइए कि मैंने क्या, मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप ये एजुकेशनल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, यहाँ पे मैं ब्यूटी शो नहीं चला रही हूँ कि आप मेरे इस चीज़ पर कॉमेंट करें, उस चीज़ पर कॉमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।